हेलो गाइस, माय नेम इज़ चंचला मीरे। आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि एमएससी सेकेंड सेम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइसोपॉलिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ मॉलिब्डेनम, जिसे मॉलिब्डेट्स भी कहते हैं। ये टॉपिक आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ आए और आप कुछ सेटिस्फाई हों। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आइसोपॉलिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ मॉलिब्डेनम सिनॉप्सिस देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ आइसोपॉलिक एसिड्स एंड सॉल्ट्स, फिर देखेंगे आइसोपॉलिक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ मॉलिब्डेनम, उसके बाद देखेंगे टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपॉलिक एसिड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिब्डेट्स। ओके, चलिए फिर इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आइसोपॉलिक एसिड से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पॉली एसिड और पॉली सॉल्ट होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉली एसिड क्या होते हैं। पॉली एसिड इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीमेटलेट एसिड। यहाँ पे पॉलीमेटलेट शब्द क्यों यूज़ किए हैं, यहाँ पे पॉली और मेटल, मींस मेटल मींस एलिमेंट हो गए, और पॉली मींस एक से ज़्यादा। इट मींस दैट जब एक से ज़्यादा मेटल कंबाइन होते हैं, तब वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, पॉली एसिड बनाते हैं। इट इज़ कंडेंस्ड और पॉलीमराइज्ड फॉर्म ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स लाइक वेनेडियम, नियोबियम, टंगस्टन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन इन प्लस 5 and 6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन। दैट मीन्स क्या होता है कि जब पॉली एसिड होते हैं वो पॉलीमेटलेट एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक से ज़्यादा मेटल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको हम पॉलीमेटलेट बोलेंगे। एंड इट इज़ कंडेंस्ड फॉर्म, और ये जो पॉली एसिड होते हैं वो कंडेंस्ड और पॉलीमराइज्ड फॉर्म होते हैं, किसके, एम्फोटेरिक मेटल्स के। एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होते हैं, जो डुअल नेचर के होते हैं, जिसमें एसिडिक कैरेक्टर भी पाया जाता है, बेसिक कैरेक्टर भी पाया जाता है, जैसे कि वेनेडियम है, नियोबियम है, टंगस्टन है, मॉलिब्डेनम है। और जब ये पॉली एसिड फॉर्म करते हैं तो अपने सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, जब ये पॉली एसिड फॉर्म करते हैं, जैसे ये +5 +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं सॉल्यूशन में। तो अगर इसको डिफाइन करें पॉली एसिड को, तो हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द कंडेंस्ड और पॉलीमराइज्ड, कंडेंस्ड और पॉलीमर इन द फॉर्म ऑफ वीक एसिड एम्फोटेरिक मेटल। जो एम्फोटेरिक मेटल होते हैं उसके कंडेंस्ड या पॉलीमराइज्ड फॉर्म ऑफ वीक एसिड ऑफ एम्फोटेरिक मेटल को हम क्या कहते हैं, पॉली एसिड बोलते हैं। मतलब जो वीक एसिड होते हैं, जो एम्फोटेरिक नेचर मेटल के, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं मेटल, उनके वीक और पॉलीमराइज्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, हम पॉली एसिड बोलते हैं। और जो जो ये पॉली एसिड है उसके एन आयन फॉर्म को जब हम किसी एल्केली मेटल यानी पोटेशियम या फिर सोडियम के साथ ट्रीट कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पॉली सॉल्ट। ओके, पॉली सॉल्ट कहलाता है। और जनरली टू टाइप ऑफ पॉली एसिड, जो पॉली एसिड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, आइसोपॉली एसिड एंड हेटेरोपॉली एसिड। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, आइसोपॉली एसिड। तो हम आइसोपॉली एसिड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि आइसोपॉली एसिड होते क्या हैं। मेरा टॉपिक है कि आइसोपॉली एसिड ऑफ मॉलिब्डेनम। तो सबसे पहले आइसो और हेटेरो में अंतर क्या होता है ये देख लेते हैं। तो आइसोपॉली एसिड क्या होते हैं, दिस आर द पॉली एसिड्स कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट अलॉन्ग द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दैट मीन्स पॉली एसिड हम किसको कहेंगे, ऐसे एसिड्स पॉली एसिड कहलाते हैं जिनमें
वन टाइप ऑफ एलिमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो अलॉन्ग द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब कि जिसमें एक ही प्रकार के एलिमेंट प्रेजेंट हो और उनके अलॉन्ग में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ऐसे पॉलीएसिड क्या कहलाते हैं, आइसोपॉलीएसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, आइसोपॉलीएसिड में पॉलीमोलिब्डेट, पॉलीमोलिब्डेट में मोलिब्डेनम एक एलिमेंट हो गया, एम ओ मोलिब्डेनम हो गया यहाँ। जैसे पॉली टंगस्टेट है, इसमें क्या हो गया, टंगस्टन एक एलिमेंट हो गया। तो एक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और उसके अलॉन्ग में हाइड्रोजन, और जैसे ये मोलिब्डेनम हो गया तो इसके अलॉन्ग में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तब इसको हम क्या कहेंगे, आइसोपॉली एसिड कहेंगे। हेटरोपॉली एसिड, हेटरोपॉली एसिड जस्ट इसके अपोजिट होगा, इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तब इसको हेटरोपॉली एसिड कहेंगे। और जैसे कि इसके एग्जांपल में क्या है, फास्फोटंगस्टेट, इसमें क्या होता है, फास्फोरस और टंगस्टन दो एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो गया, हेटरोपॉली एसिड हो गया। तो क्लियर है, आइसोपॉली एसिड कब होगा और हेटरोपॉली एसिड कब होगा, आइसोपॉली एसिड तब होगा जब वन टाइप ऑफ एलिमेंट क्या हो, प्रेजेंट हो, तब वो क्या होगा, आइसोपॉली एसिड होगा, और जब एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तब वो क्या होगा, हेटरोपॉली एसिड होगा। ओके, देन आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आइसोपॉली एसिड में सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो बेसिक एग्जांपल है क्रोमियम, क्रोमिक एसिड के एग्जांपल से समझते हैं। जब हम क्रोमिक एसिड में देखते हैं कि जब हम पीएच वैल्यू 8 से ज़्यादा रखते हैं तो कौन सा फॉर्म होगा, एसिड फॉर्म होगा, एसिड फॉर्म में सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे। और जब हम पीएच को 8 से लो करते हैं, मींस पीएच को हम जब लो करते हैं, एसिडिक मीडियम में लाते हैं, तब कौन सा फॉर्म होगा, हमको एसिड मिलेगा। और जब पीएच को हम डाउन करेंगे, मींस 7 से डाउन करेंगे, तो हमको आइसोपॉली एसिड फॉर्म होगा। ओके, तो देखते हैं इसमें क्रोमिक एसिड के एग्जांपल से देखते हैं, जब पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी 8 से, जब पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी 8 से, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ क्रोमिक एसिड को देखते हैं, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही हम वाटर मॉलिक्यूल को निकालने के बाद पीएच यहाँ पे लो करते हैं, पीएच जब हम 7 से लो करते हैं, तब हमारा जो क्रोमिक एसिड है वो कंडेंस्ड हो जाता है, उसके दो मॉलिक्यूल कंडेंस्ड हो जाते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद, और हमारा आइसोपॉली एसिड फॉर्म होता है। कहने का मतलब है, जब पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, जब पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी तो एन आयन के फॉर्म में होंगे, जब पीएच को हम लो करेंगे, तो इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, तब इसमें वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये कंडेंस्ड होके आइसोपॉली एसिड फॉर्म करेंगे। और आइसोपॉली एसिड में जब हम डीप्रोटोनेशन करते हैं, मींस रिमूवल ऑफ एच प्लस आयन करते हैं, तब यहाँ पे एन आयन फॉर्म होते हैं। जैसे ये क्रोमेट आयन हमको मिला, और क्रोमेट आयन के इस एन आयन फॉर्म को जब किसी एल्किली मेटल जैसे पोटेशियम या फिर सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमको पॉली सॉल्ट प्राप्त होता है, जो कि ये सॉल्ट फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम सॉल्ट। कहने का मतलब क्या है, जब कोई एसिड है उसको हम पीएच लो करते हैं, तो जब हम एसिड को पीएच
पीएच क्या करते हैं, लो करते हैं, तो आइसोपॉली एसिड मिलता है। और जब इसमें हम प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन करते हैं, मींस एच प्लस को रिमूव करते हैं, तो एन आयन फॉर्म होता है। इस एन आयन को जब हम किसी एल्किली मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आइसोपॉली सॉल्ट मिलता है, जो कि ये हमको पोटेशियम का सॉल्ट मिल गया। एंड देन जब 3 मोल ऑफ क्रोमिक एसिड का लेते हैं हम, यहाँ पे पहले तो 2 मोल लिए थे, अब ये 3 मोल लेते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिमूव हो जाता है, और यहाँ पे क्रोमिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं। और कंडेंस्ड होने के बाद जब डीप्रोटोनेशन कराते हैं तो H+1 रिमूव हो जाता है यहाँ से। रिमूव होने के बाद यहाँ एन आयन फॉर्म होते हैं। एन आयन को जब एल्किली मेटल के से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे भी हमको डिफरेंट टाइप ऑफ पॉली सॉल्ट मिलता है क्रोमियम का। एंड देन उसी टाइप से जब क्रोमिक एसिड का 4 मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसमें से 3 H2O बाहर हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, और जो चार मोल लिए थे वो कंडेंस्ड होकर आइसोपॉली एसिड फॉर्म करते हैं। और ये आइसोपॉली एसिड में जब हम डीप्रोटोनेशन करते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करते हैं, तब हमको क्या फॉर्म होता है, तब हमको ये एन आयन फॉर्म होता है। तो इसको जब हम किसी एल्केली मेटल, जैसे यहाँ पे हम पोटेशियम से ट्रीट कराते हैं, तो हमको ये डिफरेंट टाइप का इसका पॉली सॉल्ट प्राप्त होता है। तो क्लियर है कि जब हम किसी एसिड को पीएच लोअर करते जाते हैं, डाउन करते जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, पॉली एसिड मिलता है। और जब इसका डीप्रोटोनेशन कराते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो एन आयन मिलता है। और एन आयन को किसी एल्किली मेटल से ट्रीट कराते हैं तो हमको पॉली सॉल्ट मिलता है। ओके, तो ये हमारा डिफरेंट टाइप का जो क्रोमियम का यूनिट्स मिला था उसका स्ट्रक्चर है। देखते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि जो क्रोमेट आयन है उसमें रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, Ke(RO4)2-। सॉरी, जो क्रोमेट आयन है उसमें Cr(O4)2- ये होती है इसमें रिपीटिंग यूनिट। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट है। जब ये कंडेंस्ड होता है तो इसकी 2 टेट्राहेड्रल यूनिट, एक ये और एक ये, कॉर्नर शेयरिंग करते हैं। और कॉर्नर शेयरिंग करके ये आपस में कंडेंस्ड होकर इस फॉर्म में दिखाई देते हैं। क्रोमियम आयन में क्या होता है, जो क्रोमेट आयन है वो एच शेयरिंग करता है, और जो बाकी मॉलिब्डेट्स हैं वो एच और कॉर्नर दोनों शेयर करते हैं। इसमें सिर्फ कॉर्नर शेयरिंग होती है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ क्रोमियम आयन एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। मीन्स जो क्रोमियम आयन है वो साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, इसलिए इसमें सिर्फ कॉर्नर शेयरिंग पाई जाती है। जैसे यहाँ पे Cr2O7-2- का ये स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे कॉर्नर शेयरिंग हो रही है और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या है, यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन है, और ये सेंट्रल एटम के रूप में 2 क्या है, अपना क्रोमियम जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो 2 यूनिट था, यहाँ पे 3 यूनिट जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम के रूप में, ये 1, ये 2 और ये 3 हमारा क्या हो गया, क्रोमियम हो गया। और ये ऑक्सीजन यहाँ से 1, 2, 3 ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 10 यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 3 यूनिट ऑफ क्या है, क्रोमियम है, और यहाँ पे इसके 4 यूनिट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं कॉर्नर शेयरिंग के द्वारा। ओके,
तो ये स्ट्रक्चर था किसका, क्रोमेटाइन के डिफरेंट डिफरेंट आइसोपॉलीमोलिब्डेट की, आइसोपॉलीमोलिब्डेट्स। ओके, अब देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है आइसोपॉली एसिड एंड सॉल्ट ऑफ मॉलिब्डेनम, आइसोपॉली एसिड एंड सॉल्ट ऑफ मॉलिब्डेनम। व्हेन मॉलिब्डेनम ट्राई ऑक्साइड डिजॉल्व इन हाईली बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिब्डेट आयन, ये मॉलिब्डेट क्या है, मॉलिब्डेट आयन विथ टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री आर फॉर्म्ड। इट मीन्स दैट जब हम मॉलिब्डेनम ट्राई ऑक्साइड को हाईली बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इसकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल फॉर्म में होती है और हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एक मॉलिब्डेट मिलता है जिसकी रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, एम ओ ओ 4-2-, मीन्स क्रोमियम के समान ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रदर्शित करती है और ये एक अपना सेंट्रल एटम मॉलिब्डेनम हो गया और यहाँ पे मॉलिब्डेनम हो गया और यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 क्या हो गए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो इस प्रकार ये एक MO42- की क्या हो गई, रिपीटिंग यूनिट हो गई। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आइसोपॉली एसिड ऑफ मॉलिब्डेनम को फॉर्म करते हैं, तो इस प्रकार फॉर्म होता है। When the pH of solution is low, down the protonation of molybdate ion start followed by the condensation processing and different molybdates. Okay, कहने का मतलब है कि जब हम pH को और डाउन करते जाते हैं, लो करते जाते हैं, तो यहाँ पे जो मॉलिब्डेट हमने फॉर्म किए थे, कौन सी यूनिट फॉर्म किए थे, MO42-, ये और कंडेंस्ड होते जाता है और इसमें से जो बेसिक मीडियम में ले जाते हैं तो हमको डिफरेंट टाइप से मॉलिब्डेट्स क्या होते जाते हैं, फॉर्म होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे MO42- यूनिट को हम हाईली एसिडिक मीडियम में जब ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिमूव हो जाता है और रिमूव होने के बाद यहाँ से जो एक ऑक्सीजन है वो तो H2O बना लिया, तो यहाँ पे यहाँ से OH आके यहाँ ऐड हो जाता है और जो यहाँ पे 2- जो चार्ज था वो एक मॉलिक्यूल जोड़ने के कारण यहाँ पे 1- हो गया। ओके, देन जब ये वाली यूनिट को फिर से हम एसिडिक मीडियम में, जिसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम है उसमें हम फिर ट्रीट कराते हैं, मीन्स पीएच को और लो करते हैं, तो हमको ये यूनिट प्राप्त होती है, MOOH6 यूनिट प्राप्त होती है। जब हम इन दोनों यूनिट को MOH6 को और ये वाले यूनिट को जो कि मीडियम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ MOOH6 यूनिट को जब हम ये वाले यूनिट से यहाँ रिएक्ट कराते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिमूव हो जाता है और यहाँ से जो 6OH है वो तो H2O के रूप में निकल गया, तो ये 5 मॉलिक्यूल में बचेगा और जो 5 था और इसमें एक क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज ऐड हो जाएगा। जब ये वाले यूनिट को फिर से हम HMO 4- से ट्रीट कराते हैं
तो फिर वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या फोर OH मॉलिक्यूल बचेंगे, और यहाँ पे क्या था फाइव था, एक तो H2O के रूप में निकल गया, इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, और इसमें वन चार्ज था वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। ओके, एंड देन जब हम इसको और पीए और एसिडिक मीडियम देते जाते हैं, मीन्स जब इससे HMOO4 यूनिट से फिर इसको रिएक्ट कराते हैं, तो फिर H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो ये कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी यहाँ से, और ये रिपीटिंग यूनिट हो जाएगी, और ये थ्री चार्ज हो जाएगा, एंड देन फिर रिएक्ट कराएंगे तो वन, फिर H2O निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे थ्री OH था तो यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे कितना चार्ज था, यहाँ पे थ्री था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, एंड देन फिर रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ फिर H2O रिमूव हो जाएगा, और जो यहाँ पे टू H2O था उसकी अमाउंट कितनी बच जाएगी, यहाँ पे वन हो जाएगी, एंड इसका जो चार्ज है वो फाइव हो जाएगा, और ये लास्ट रिएक्ट कराते हैं, एंड देन ये टोटल जो जितनी OH थी वो बाहर हो जाएगी, और वहाँ पे MO जो MO मॉलिक्यूल है वो आ जाएगी। और जब ये आइसोमराइज होते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हेप्टा मॉलिब्डेट मिलता है, जो हेप्टा मॉलिब्डेट है, ये हेप्टा मॉलिब्डेट, इसी को सबसे पहले सॉल्यूशन से क्या किया गया था, सॉल्यूशन से अलग किया गया था, ये हेप्टा मॉलिब्डेट को ही सबसे पहले क्या किया गया था, सॉल्यूशन से सेपरेट किया गया था, हेप्टा मॉलिब्डेट को, और क्या बोलते हैं, या पैरा मॉलिब्डेट्स भी कहते हैं। अब इस पे पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है देख लेते हैं हम। जैसे जैसे हम पीएच को और लोअर करते जाते हैं, मीन्स हाईली एसिडिक करते जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिब्डेट्स फॉर्म होते हैं। जैसे ये अपनी रिपीटिंग यूनिट हो गई MOO4-, जब पीएच को हम और लो करते हैं, लेस देन सेवन करते हैं, अप्रॉक्स जब हम 4-5 करते हैं, तो हमको ये हेप्टा मॉलिब्डेट प्राप्त होता है, हेप्टा मॉलिब्डेट मिलता है, जब पीएच कितनी होगी 4-5 होगी। तब जब हेप्टा मॉलिब्डेट मिलने के बाद जब हम पीएच को और लो करते हैं, अप्रॉक्स 3 तक ले आते हैं, तो हमको क्या मिलता है, ये ऑक्टा मॉलिब्डेट मिलता है। ऑक्टा मॉलिब्डेट मिलने के बाद जब पीएच को हम और लो करते जाते हैं, अप्रॉक्स 1 तक ले आते हैं, तो हमको ये हाईली मॉलिब्डेट्स मिलते हैं, ये हाईली मॉलिब्डेट्स। और जब हम पीएच को और लो डाउन कर देते हैं, मीन्स लेस देन 1 ले आते हैं, तब हमको ये इस फॉर्म में मिलते हैं। और इसमें इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या थी, MO4 होती थी, MO4। एंड देन जब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिब्डेट्स फॉर्म होते हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। मैंने पहले बताया था आपको कि जब ये वाला फॉर्म था, ये वाला मॉलिब्डेनम का, तब यहाँ पे मैंने बताया था कि इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या थी, MOO4-, मीन्स अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कितना होगा, 1, 2, 3 और ये 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, और जो जियोमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। बट जब हम इसका डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिब्डेट्स देखते हैं यहाँ पे, तो इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है वो चेंज हो जाती है, वो क्या हो जाती है MOO6, ये हो जाती है रिपीटिंग यूनिट, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो जाती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट भी चेंज हो गई, और इसकी जियोमेट्री भी क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल जैसे कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे
दो रिपीटिंग यूनिट जो दो ऑक्टाहेड्रल है वो यहाँ पे कंडेंस्ड हुए हैं, और ये अपना क्या हो गया, ये सेंट्रल एटम क्या हो गया अपना, मॉलिब्डेनम हो गया, दो मॉलिब्डेनम जो है वो सेंटर में है, और ये अपना ऑक्सीजन हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये अपना 6। सिमिलरली इधर भी ऐसी होगा, तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है, और 6 है, और इसकी जियोमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल मतलब कैसे, यहाँ पे एम ओ सेंट्रल एटम होगी, और यहाँ पे कोई भी जो ऑक्सीजन है वो ऐसे अलोंग एबो एंड बिलो, एंड ये जो है ऐसे ऐसे और यहाँ जुड़े होंगे, तो ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हो गया स्ट्रक्चर। और मैंने बताया था कि उसमें क्रोमियम यूनिट में वो क्या शेयरिंग करते हैं, कॉर्नर शेयरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ ये क्या शेयर कर रहे हैं, एच शेयर कर रहे हैं, एच शेयर कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिब्डेट्स में एच भी शेयर होती है और कॉर्नर भी शेयरिंग होती है। अब हम देखते हैं जो पैरा मॉलिब्डेट है, ऑक्टा मॉलिब्डेट है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में फॉर्म होते हैं। ओके, देखते हैं अब टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ, टाइप्स ऑफ एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोपॉली एसिड या आइसोपॉली मॉलिब्डेट्स। सबसे पहले देखते हैं डाइमॉलिब्डेट। डाइमॉलिब्डेट मीन्स नाम से ही क्लियर है कि डाई मीन्स यहाँ पे क्या होगा, दो होगा, जो मॉलिब्डेनम की जो संख्या है, जो हमारा एलिमेंट है मॉलिब्डेनम, उसकी संख्या कितनी होगी, यहाँ पे दो होगी। और इसका जो जनरल कॉम्पोजिशन है उसको देख लेते हैं, इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, R2O और मॉलिब्डेनम कितना रहेगा, 2MO3NH2O, जो इसका कॉम्पोजिशन है वो क्या होगा, R2O2MO3NH2O, ये इसका कॉम्पोजिशन होगा। और यहाँ पे जो R है वो क्या होगा, R की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे एल्केली मेटल सोडियम या पोटेशियम ले सकते हैं। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये है हमारा एक MO4 रिपीटिंग यूनिट, और ये दूसरा हमारा MO4 रिपीटिंग यूनिट, और ये कॉर्नर शेयरिंग कर रहे हैं, कॉर्नर शेयरिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं, और ये हमारा मॉलिब्डेनम और ये मॉलिब्डेनम। ओके, तो यहाँ पे दो यूनिट MO4 के होते हैं, जैसे ये अपना टेट्राहेड्रल एक स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, तो कॉर्नर शेयरिंग से जुड़े रहते हैं, सेंट्रल एटम के रूप में मॉलिब्डेनम होते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मीन्स ये हो गया अपना MO2O7 2- का स्ट्रक्चर। ओके, एंड देन आगे देखते हैं ट्राईमॉलिब्डेट्स। ट्राईमॉलिब्डेट्स नाम से ही क्लियर है ये भी, ट्राई मीन्स यहाँ पे क्या होगा, तीन, जो मॉलिब्डेनम की, जो हमारा मॉलिब्डेनम मेटल है उसकी संख्या कितनी होगी, यहाँ पे तीन होगी, एम ओ जो है कितनी रहेगी, तीन रहेगी। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, R2O3MO3NH2, और यहाँ पास जो R है उसकी वैल्यू कोई भी एल्किली मेटल सिमिलरली जैसे सोडियम या ये पोटेशियम। ओके, और जो ये ट्राई मॉलिब्डेट्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, इसको सॉल्यूशन से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ऑफ ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है।
ओके अब आइसोपॉलीएसिड ऑफ मॉलिब्डेनम के तीसरे टाइप में देख लेते हैं, टेट्रामॉलिब्डेन्स। इसमें भी क्लियर है कि जो मॉलिब्डेनम आयन है, जो मॉलिब्डेनम मॉलिक्यूल है, वो कितने होंगे, 4 होंगे जो एमओ है वो। और ये भी ट्राईमॉलिब्डेन के समान क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, और इसको भी क्या हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ओके अब देखते हैं यहाँ पे पैरामॉलिब्डेट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये पैरामॉलिब्डेट या इसको क्या बोलते हैं, हेप्टामॉलिब्डेट, सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था। इसका जनरल फार्मूला क्या है, MO7O24-6- है। जब हम पीएच को लो करते जाते हैं और अप्रॉक्स 4.5 तक लाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे पैरामॉलिब्डेट्स मिलता है। और ये हाईली स्टेबल, मोस्ट स्टेबल होते हैं। और इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार होती है, इसमें MO6 रिपीटिंग यूनिट होती है, यहाँ पे MO6 रिपीटिंग यूनिट होगी। और ये फ्रंट और बैक साइड को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और ये इसमें एक ये अपने फ्रंट साइड का जो है वो हो गया रिपीटिंग यूनिट, और ये अपना रेयर यूनिट, जो फ्रंट यूनिट है वो 4 है। और इसमें यहाँ पे कॉर्नर शेयरिंग भी हुई है और एज शेयरिंग भी हुई है, और इसमें एज शेयरिंग हुई है। तो जो 4 फ्रंट यूनिट है वो, और जो हमारे 3 रेयर यूनिट है वो इंसर्ट होके कंबाइन होके हमको क्या देते हैं, पैरामॉलिब्डेट्स देते हैं। तो ये फाइनली कैसे बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर फाइनली बनेगा इस टाइप से। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा फ्रंट यूनिट था 1, 2, 3, 4, उसमें रेयर यूनिट को इंसर्ट कर दिए, कंबाइन कर दिए, तो वो क्या हो गया, 5, 6 और ये 7। तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए ये वाले चित्र में यहाँ जो फ्रंट यूनिट है उसमें रेयर यूनिट के ये वाले पार्ट्स को फ्रंट यूनिट के यहाँ कंबाइन करेंगे, और जो रेयर यूनिट का ये वाला पोर्शन है उसको इस वाले एरिया में, और ये वाले पोर्शन को यहाँ कंबाइन करेंगे, तब हमको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो यहाँ पे जो अपना रेयर यूनिट था वो ये वाला हो गया, ये वाला अपना क्या हो गया, ये अपना रेयर यूनिट हो गया, रेयर यूनिट हो गया, ये वाला रेयर यूनिट हो गया, और ये वाला हो गया रेयर यूनिट। और बाकी तो हमारा ये वाला फ्रंट यूनिट था, ये वाला फ्रंट यूनिट, और ये वाला और ये वाला। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर मिलता है हमको हेप्टामॉलिब्डेट का। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्यूशन से क्या कर सकते हैं, आइसोलेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टामॉलिब्डेट। ऑक्टा मीन्स 8 होगा यहाँ पे, जो मॉलिब्डेनम की संख्या है वो कितनी होगी, 8 MO होगी। इसका जनरल कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, जनरल कॉम्पोजिशन क्या होता है, R2O 8MO O3 NH2O होता है। ओके और ये कितने फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ये 3 फॉर्म में, अल्फा, बीटा और गामा, 3 रूप में प्रेजेंट होता है। और इसको भी हम आइसोलेट कर सकते हैं, और ये हाईली स्टेबल होता है। जैसे ये आइसो, इसका अल्फ़ा फॉर्म देख लेते हैं, ऐसा अल्फ़ा आइसोमर। अल्फ़ा वाले में देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि 2 रेयर यूनिट होते हैं और 4 फ्रंट यूनिट होते हैं, 2 रेयर यूनिट और 4 फ्रंट यूनिट होते हैं, जिसमें ये 4 अपना MO
सिक्स टू माइनस यूनिट होते हैं और दो एम ओ सिक्स टू माइनस यूनिट होते हैं और दो क्या होते हैं टेट्राहेड्रल एम ओ फोर टू माइनस यूनिट होते हैं। तो टोटल कितने हो गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट यूनिट्स होते हैं इसमें। तो जब हम ये वाले रेयर यूनिट को यहाँ इंसर्ट करते हैं तो हमको फाइनली ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे अपना यहाँ पे ये कौन सा यूनिट हो गया, ये अपना फ्रंट यूनिट हो गया, वन टू थ्री फोर ये फ्रंट यूनिट हो गया और ये अपना रेयर यूनिट हो गया। फ्रंट यूनिट के बाद जो है ये अपना क्या हो गया, ये रेयर यूनिट हो गया और रेयर यूनिट के बाद जो ये जो एबो है वो और जो बिलो है वो अपना ये वाला जो रेयर यूनिट है वो हो गया। ये क्या हो गया अपना, ये क्या हो गया अपना रेयर यूनिट है, जो एबो है वो और बिलो है वो, और अपना ये क्या हो गया फ्रंट यूनिट हो गया, जो ये वाला है ये और ये क्या है अपना फ्रंट यूनिट है। ये अपना फ्रंट यूनिट हो गया। तो इस प्रकार हमको अल्फा आइसोमर ये स्ट्रक्चर क्या होता है, हमको फॉर्म होता है। अब बीटा स्ट्रक्चर, बीटा आइसोमर का, इसमें रिपीटिंग यूनिट सेम ही होती है, एम ओ फोर सिक्स माइनस ये रिपीटिंग यूनिट होती है इसमें, और ये हमारा जो रियर यूनिट है वो दो होती है और यहाँ पे फोर हमारा मिड यूनिट है और यहाँ पे टू हमारा फ्रंट यूनिट है। और बीटा आइसोमर फॉर्म करने के लिए मिड यूनिट को यहाँ इंसर्ट करते हैं, मिड यूनिट को यहाँ इंसर्ट कर देते हैं, मिड यूनिट को हम ये रेयर यूनिट में और इस वाले मिड यूनिट को ये फ्रंट यूनिट में यहाँ इंसर्ट करते हैं। तो हमको ये फाइनली स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ देखते हैं हमारा जो बीटा आइसोमर है वो क्या हो गया है, यहाँ पे फॉर्म हो गया है और ये फ्रंट यूनिट मिड यूनिट और रियर यूनिट मिलके बीटा यूनिट को क्या करते हैं, बीटा फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं गामा आइसोमर, गामा आइसोमर इसमें अपवर्ड और बैकवर्ड दो फॉर्म होते हैं और ये भी सेम ही ऑक्टाहेड्रल रिपीटिंग यूनिट होती है, इसमें भी ऑक्टाहेड्रल रिपीटिंग यूनिट होती है। और जब हम अपवर्ड और डाउनवर्ड को कंबाइन करते हैं तब हमको फाइनली इसका जो स्ट्रक्चर है वो गामा फॉर्म में मिलता है। जब हम ये अपवर्ड को यहाँ इंसर्ट करते हैं और इसकी ये वाली यूनिट यहाँ और ये यहाँ, तब हमको फाइनली ये वाला जो हमारा गामा आइसोमर है वो फॉर्म यहाँ पे मिलता है। जैसे ही देखें यहाँ पे ये वन ये टू ये थ्री और ये फोर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अपवर्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ देखते हैं हमारा ये वन और ये टू और ये थ्री और ये अंदर वाला फोर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डाउनवर्ड फॉर्म हो गया। ओके, तो इस प्रकार हम लोग अल्फा बीटा और ये गामा फॉर्म क्या कर लिए, ये सॉल्यूशन से आइसोलेट हो जाता है और ये इसका फाइनली स्ट्रक्चर है। तो ये सब किसके बारे में था, ऑक्टा मॉलिब्डेट के डिफरेंट मॉलिब्डेट
फॉर्म्स के मीन्स इनके आइसोमर के बारे में था। सबसे पहले हमने इसका अल्फा फॉर्म देखा, फिर बीटा, फिर गामा। तो ये पूरा क्या था हमारे मॉलिब्डेनम के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और हमने वीडियो में क्या देखा था, सबसे पहले हमने आइसोपॉली एसिड के बारे में जाना। तो आइसोपॉली एसिड्स होते क्या हैं, तो वो कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं एम्फोटेरी मेटल के, और जो आइसोपॉली एसिड है वो लोअर पीएच में फॉर्म होते हैं। और जब हम इसका डीप्रोटोनेशन कराते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है एन आयन मिलता है। और जब हम इस एन आयन को किसी एल्किली मेटल से ट्रीट कराते हैं जैसे पोटेशियम से, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है वो पॉली सॉल्ट कहलाता है, पॉली सॉल्ट कहलाता है। देन हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिब्डेट्स, उसके स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, उस पर पीएच पे कैसे जो है वो इफेक्ट करता है। तो ये सब किसके बारे में था, आइसोपॉली मॉलिब्डेट्स के बारे में। थैंक यू गाइस। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं हिंदी में जो एक्सप्लेनेशन और नए वीडियो करके अपलोड कर सकूं। थैंक यू।